हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक टर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये कहते किसको है? कई बार तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं इस चीज को लेकर के कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। कई बार आप ये सोचते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर जो है एक्सेल आप पढ़ रहे हो, एमएस वर्ड पढ़ रहे हो, तो ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो सकता है। कई बार गलत पढ़ा भी दिया जाता है, तो इसको समझने की जरूरत है। डेटाबेस कहते किसको है? देखिए, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। देखिए, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जो डिसाइड करे उसे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन किसी भी डेटा का स्ट्रक्चर डिसाइड करे उसे हम स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन कंप्यूटर सिस्टम। ये किसमें स्टोर होता है? इलेक्ट्रॉनिकली, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है। और इसमें हमें एक बहुत ही कॉमन चीज देखने को मिलती है, जो मैं कई बार बता चुका हूं, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की बात करी जाएगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी डेटाबेस है वो रिलेशनल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें डीबीएमएस में आज हम किसकी बात करने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के चलूंगा, साथ ही साथ MySQL की भी बात करूंगा, तो दोनों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है की का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, की का एक फैक्टर आता है। अब देखिए, कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सेल भी तो डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर ही है, तो अगर आप एक्सेल को डेटाबेस का सॉफ्टवेयर समझते हो, तो यहां पर एक्सेल को मैं ओपन कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अगर आप ऐसा समझते हो कि ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, तो ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है? ये स्प्रेडशीट है। क्यों स्प्रेडशीट है? इसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक फील्ड डाला, क्या? रोल नंबर। तो ये लिख दिया रोल नंबर, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे का जो रोल नंबर आप अलॉट कर देंगे वो दूसरे बच्चे को भी अलॉट कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। यानी एक बच्चे को जो रोल नंबर देंगे वो दूसरे को नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। अब यहां पर नेम आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पे लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पे जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स आप देंगे, तो जो स्टूडेंट्स का नाम आएगा, स्टूडेंट्स का नाम तो रिपीट हो सकता है, तो इसीलिए यहां पर जैसे मान लीजिए राम लिख दिया, यहां पे श्याम लिख दिया, यहां पे लिख दिया कुछ और ऐसे ही करके SHYAM, और यहां पे लिख दिया मनोज लिख दिया, ठीक है, सुमित लिख दिया, फिर मान लीजिए यहां पे लिख दिया राम RAM, तो यहां पर राम जो है रिपीट हो रहा है, फिर मान लीजिए यहां पे राम लिख देते हैं, तो राम तीन बार रिपीट हो गया। लेकिन ऐसे में हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई किससे करेंगे? रोल नंबर से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक्सेल में? ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा एक्सेल में पॉसिबल है कि हम यहां पर यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे यूनिक आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे ये भी तो हो सकता है कि यहां पर आप रोल नंबर वन कर दें, तो एक्सेल तो इसका विरोध नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट कर जाएगा इस चीज को, रोल नंबर वन। अभी तो ये रोल नंबर वन रिपीट हो गया, तो यहां पर डेटा का जो है इफिशियंसी कहां हुआ? ये विश्वसनीयता कहां आई इसमें? ये तो रोल नंबर वन रिपीट हो गया। तो ये चीज जो है ना स्प्रेडशीट में हो सकता है, लेकिन डाटाबेस में नहीं होगा। कभी भी डाटाबेस में ये चीज नहीं होगी, ये चीज याद रखिएगा। फिर डाटाबेस को ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सेस के ऊपर बड़ी वीडियो एक बनेगी, तो आज वही बड़ी वीडियो की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज। तो यहां पर क्लिक किया हमने और यहां पर ये आ गए। तो अभी देखिए, ये है डाटाबेस और ये रिलेशनल डाटाबेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है, और ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्यों है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, वो अभी आपको पता चलेगा। देखिए, यहां पर व्यू पे जाएंगे और यहां से अब डाटा एंट्री ऐसे कर पाएंगे क्या? देखिए, यहां पर अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं तो कुछ लिख पाएंगे, टाइप कर पाएंगे। यहां पर टाइप किया, फिर यहां पर टाइप किया, अब देखिए यहां पर टाइप ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और ये फील्ड 1, 2, 3 ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपली यहां व्यू पे जाना है और यहां से आ जाना है डिजाइन व्यू पे। ये देख सकते हैं डिजाइन व्यू, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टेबल को नाम दे देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल दे देते हैं, स्टूडेंट टी कर देते हैं, स्टूडेंट टी। तो ये स्टूडेंट टी किया हमने, एंटर किया। अब देखिए यहां पर जो है ना, यहां पर की का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, दो कीज के बारे में, तीन कीज के बारे में तो एब्सोल्युटली अभी आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहां पे दे दिया हमने रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है।
अब ये रोल नंबर देने के बाद यहां पर देख सकते हैं ये डेटा टाइप दिया हुआ है। अब एक्सेल में कोई डेटा टाइप था क्या? यहां पर देखिए यहां पर कोई डेटा टाइप था? नहीं था, ठीक है। तो अभी हमने नंबर एंटर कर दिया तो नंबर भी एक तरह का डेटा टाइप ही है, लेकिन यहां पर आपको यूनिक वैल्यूज एंटर नहीं आप कर पा रहे हो। आप यहां पर डुप्लीकेट भी कर सकते हो, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन इन द केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या ऐसी गलती हो सकती है, आइए देखते हैं। यहां पर ये रोल नंबर दे दिया और इसको क्या करते हैं हम ऑटो नंबर से हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, ठीक है। दूसरी फील्ड जो हम डालने वाले हैं वो है नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नेम लिखा अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे यहां पर डेटा टाइप इसका रख दिया है शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो शॉर्ट टेक्स्ट रख के यहां से व्यू पे क्लिक करना है और यहां से ओके करना है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे आपने एक्सेल में किया था सेम वही चीज यहां पर भी आ रही है, देख लीजिए यहां पे आ रही है कि नहीं। और यहां से इसको खींच करके बड़ा कर लीजिएगा, ये बड़ा भी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पे एक स्टूडेंट का नाम एंटर किया राम, ठीक है। अब यहां पे देखिए रोल नंबर हमने क्या एंटर किया है, वन, ध्यान दीजिएगा ऊपर रोल नंबर वन एंटर किया, यहां पे टू एंटर करता हूं, यहां पे लिख देता हूं श्याम, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक क्लास में एक नाम के दो या तीन या दस बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। अब यहां पर क्या हम रोल नंबर को रिपीट कर पाएंगे, तो यहां टू लिखते हैं फिर से, फिर आते हैं, अभी तो हम रिपीट कर पा रहे हैं। यहां पे एक और नाम लिखा मनोज, तो अभी देखिए ये जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये डाटाबेस की क्वालिटी है, डाटा की जो विश्वसनीयता है वो बना के रखता है। अब ये जो है ना यहां पर देखिए, यहां पर आपको की फैक्टर समझ में आएगा, की फैक्टर क्या है इसमें, ये जो है प्राइमरी की है, क्या है प्राइमरी की, रोल नंबर को क्या बना दिया प्राइमरी की बना दिया। अब यही चीज MySQL में करते तो कैसे करते, देखिए MySQL में दिखा देता हूं, आप SQL सर्वर पर आएंगे तो कैसे आएंगे वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये MySQL पर कई बार दिखा चुका हूं, SQL सर्वर ओपन करते हैं, SQL सर्वर, तो ये SQL सर्वर मैं ओपन करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये देखिए इसको चलाने के लिए आपको कनेक्ट रहना होगा डेटाबेस से, यहां पर देखिए MySQL SQL सर्वर ओपन हो चुका है और यहां पर डाटाबेस दिया हुआ है। अगर आप क्वेरी के थ्रू बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, अगर आप यहां से जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। तो ये डाटाबेस जो दिया हुआ है यहां पर इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, अगर आपको न्यू डाटाबेस बनाना है तो यहां से जाके बना सकते हैं। ये न्यू डाटाबेस दिया हुआ है, यहां पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने एक नया डेटाबेस ओपन हो जाएगा। इसको आप नाम दे सकते हैं, जैसे कोई भी नाम दे सकते हैं एज योर विश, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर स्टूडेंट डाटा करके मैं दे देता हूं नाम और यहां पे एंटर कर देना है, तो ये स्टूडेंट डेट के नाम से बन गया। अब इस पर डबल क्लिक करिएगा तो नीचे आपको टेबल्स दिखेंगी, आप क्वेरी का यूज करके भी टेबल बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जाकर के हम न्यू टेबल बना लेते हैं, तो यहां से टेबल आप बना सकते हैं, यहां क्लिक कीजिएगा टेबल वाली विंडो ओपन हो जाएगी और ये टेबल आ गई। यहां पे कॉलम नेम दीजिए, जो भी कॉलम नेम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने वहां पे क्या दिया था एक्सेस में रोल नंबर दिया था, तो ये रोल नंबर यहां पर भी दिया जा सकता है। तो ये हो गया रोल नंबर, इसका डेटा टाइप यहां पे मेंशन कर दीजिए, नल रखना है कि नहीं, नल का मतलब होता है खाली छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर छोड़ना है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, टिक कर दीजिए। यहाँ पे एन कैरे डेटा टाइप आ रहा है, यहां पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप मिल जाते हैं एक्सेस के जैसे, तो यहां पर कोई भी डेटा टाइप आप चूज कर सकते हैं, फिलहाल एन कैर रख देता हूं। आप नंबर भी रख सकते हैं, यहां पे आपको मिल जाता है, एन टेक्स्ट भी मिल जाता है, इंट भी मिल जाता है, स्मॉल इंट मिल जाता है, तो जो आप रखना चाहे रख सकते हैं एज योर विश, ठीक है। तो यहां से आप जो चाहे वो रख सकते हैं, जैसे इंट रख लिया मैंने, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाता है, तो ये देखिए ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इस तरीके से नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे एन कैर रख देना है। अब इसको क्लोज करता हूं मैं यहां से यस करके, इसको सेव करते हैं टेबल वन के ही नाम से सेव कर देते हैं। तो यहां पर जब जाएंगे डबल क्लिक करेंगे तो ये टेबल बनी हुई नजर आएगी, जरा सा इसको रिफ्रेश करना होगा और बस यहां से जाइएगा तो यहां पर डबल क्लिक करते ही आपको टेबल दिख जाएगी। तो ये वो टेबल है जो बनी हुई है, यहां से जाकर के आप एडिट टॉप 200 रोज कर सकते हैं और ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पे डेटा फिल कर सकते हो, फिलहाल इसको मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया, अगर आप चाहते हो इसको प्राइमरी की बनाना तो यहां पर भी प्राइमरी की बना सकते हैं, जैसे कि एक्सेस में बनाया था। यहां पर जाइए राइट क्लिक कीजिए और ये सेट प्राइमरी की दिया हुआ है, बस प्राइमरी की बना दीजिए तो ये बन गया प्राइमरी की। तो बस अब इसको क्लोज कर देते हैं यस करके, इसको भी क्लोज करते हैं, ये हो गया। अब यहां पर जब भी इस टेबल में जाएंगे हम इसको ओपन करेंगे तो यहां से जाके ओपन करना होगा और यहां पर जब हम एंटर करेंगे ना रोल नंबर, जैसे मान लीजिए रोल नंबर वन एंटर किया और यहाँ पे नाम एंटर किया राम, तो अब रोल नंबर वन को आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते, तो यहां पर आइएगा फिर यहाँ पे नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी की बना दिया।
तो ये कैरेक्टर जो है ना स्प्रेडशीट में नहीं होता, ये कहां एक्सेल में है, ऐसा एक्सेल में थोड़ी ना है, एक्सेल में तो आप रिपीट कर सकते हो। तो ये वो चीज है, ये वो चीजें हैं जो अलग बनाती हैं किसी भी डेटाबेस को स्प्रेडशीट से, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस है। तो आते हैं फिर वापस से एक्सेस पर। तो यहां तक बातें अगर क्लियर हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं और भी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी तो हमें रिलेशनशिप इसमें पढ़ना है, इसके अलावा हमें और भी इसमें डेफिनेशंस देखने हैं। तो चलिए आइए यहां पे लेके आता हूं, यहां पे ये डेफिनेशन देखते हैं हम। अब देखिए यहां पर SQL क्या है, SQL कह रहा है SQL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय नियरली ऑल रिलेशनल डेटाबेस टू क्वेरी। मतलब कि सभी लगभग क्वेरी जो बनाते हैं, SQL एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस में क्वेरी बनाने के लिए यूज करी जाती है। मैनिपुलेट एंड डिफाइन डाटा, मैनिपुलेट करते हैं डेटा में कुछ चेंजेस करना हो कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं, एंड प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल, यानी कि उसे एक्सेस कंट्रोल भी दिया जा सकता है इससे, ठीक है। SQL वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई IBM इन 1970s, 1970 में SQL को डेवलप किया गया था विथ ओरेकल एज मेजर कंट्रीब्यूटर। ओरेकल के साथ डेवलप किया गया था इसे, विच लेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SQL ANSI स्टैंडर्ड। फिर इंप्लीमेंट करके इसे ANSI स्टैंडर्ड में बना दिया गया। SQL हैज स्पर्ड मेनी एक्सटेंशंस फ्रॉम कंपनीज सच एज IBM, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का अलग SQL आता है, ओरेकल का अलग SQL आएगा, लेकिन है सारे डेटा ही बेस, डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कीज के ऊपर, तो कीज क्या है इसमें, कीज के ऊपर भी डिस्कस करना है। तो यहां पर जरा देखिएगा, ये जो कीज दिया हुआ है, यहाँ पे सारे कीज के बारे में बताया गया। पहला है कैंडिडेट की, उससे भी पहले मैंने आपको दिखाया कि प्राइमरी की क्या होता है। तो जरा आप इसमें देखिए और कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए इन दोनों में प्राइमरी की कौन सा हमने बनाया था, रोल नंबर को कि नेम ऑफ स्टूडेंट को, बताइएगा। प्राइमरी की के बारे में मैंने अभी बताया था, तो प्राइमरी की किसे मैंने बनाया, रोल नंबर को बनाया कि नेम ऑफ स्टूडेंट को, बता सकते हैं तो बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर क्या करता हूं, सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड। तो दूसरा है फॉरेन की, अब इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक प्रकार की ऐसी की है जो कि कभी भी यूनिक नहीं होगी, वो जब भी होगी तो क्या होगी, डुप्लीकेट ही होगी। जब भी होगा फॉरेन की तो डुप्लीकेट होगा, यूनिक हो ही नहीं सकता, फॉरेन की कभी भी यूनिक नहीं होती है। तो ये जो कीज है ना, ये बनाती है यूनिक, क्या बनाती है यूनिक, डेटाबेस को अलग करके दिखाती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना जो है ये कैरेक्टर है, तो ये डेटाबेस को अलग बनाता है। और ये जो कीज का फैक्टर है, ये भी डेटाबेस को स्प्रेडशीट से अलग बनाता है, अन्य सॉफ्टवेयर से अलग बनाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि डेटाबेस कैसे अलग है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों जो कीज हैं, प्राइमरी और फॉरेन, इन दोनों में डिफरेंस तो एकदम क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस भी आपको पता चल रहा होगा, अभी डिटेल में और समझ में आ जाएगा। देखिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहां पर। तो देखिए यहां पर हम नंबर्स को रिपीट तो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रोल नंबर है, अब यहां पे 4 तो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। यहां पे नेम क्या रिपीट कर सकते हैं, एक बार चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे 4 मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं और नेम भी रिपीट करता हूं, लाइक हिना। तो यहां पे हिना पहले लिखा था, लेकिन ये क्या कह रहा है, द चेंजेस यू आर रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स। प्राइमरी की और रिलेशनशिप कह रहा है कि प्राइमरी की वाले में आप नहीं डाल सकते। तो अगर हम यहां से हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हिना नहीं हटा रहा हूं, हिना तो दो बार लिख दिया है लेकिन उसको नहीं हटा रहा हूं, देख लीजिए यहां पे 5 लिख दे रहा हूं, तो क्या ये एक्सेप्ट कर जा रहा है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पे 6 लिख दे रहा हूं और यहां पे एक और किसी बच्ची का नाम हिना है, तो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से सारी चीजें होती चली जा रही है। लेकिन इन द केस ऑफ प्राइमरी की ये पॉसिबल नहीं है। तो प्राइमरी की जब भी कंटेन करेगा तो यूनिक टाइप की वैल्यूज ही कंटेन करेगा, ये बात 100% याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा, ये बहुत आसान है। अगर एक बार आपको समझ में आ गई चीजें तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिट की का। देखिए यहां पर कंपोजिट की, ये तो MySQL ओपन हो गया, यहां पर दिया गया कंपोजिट की।
ये नीचे देखिए, सबसे नीचे यहां पर ये देखिए, ये वाला जो है कंपोजिट की आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसका मैं कलर भी चेंज करने की कोशिश करता हूं यहां से। तो ये कंपोजिट की है। अब कंपोजिट की का क्या फायदा है, यहां पर आप देख सकते हैं ये कंपोजिट की है। यहां पे ये मैं टिक लगा के दिखा देता हूं। ये वाला जो हिस्सा है ये कंपोजिट की का है, ठीक है। तो कंपोजिट की क्या है, देखिए कंपोजिट की एक यूनिक की होती है। तो भैया प्राइमरी की और कंपोजिट की में डिफरेंस कहां है, तब तो दोनों एक ही हो गया। कंपोजिट की यूनिक जरूर होती है, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी और कंपोजिट की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और ये प्राइमरी की नहीं होती है, कंपोजिट की कभी भी प्राइमरी की नहीं होती है। प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। अब अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं फिर आ जाता हूं एक्सेस पर। ये आ गए एक्सेस पर। अब यहां पर क्या करते हैं, व्यू पे चलते हैं और यहां से डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं और यहां पर एक और फील्ड हम डालते हैं, कौन सा, क्लास, ठीक है, या सेक्शन, या कुछ और कर देते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी किया हमने। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन आईडी करेंगे यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट आएगा। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट आएगा तो शॉर्ट टेक्स्ट आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे दिया हुआ है इंडेक्स्ड, नीचे आइए जरा देखिए, यहां पे दिया गया इंडेक्स्ड, तो ये लिखा हुआ है यस डुप्लीकेट ओके, ठीक है। तो यहां से जाकर के आपको क्या करना है, यस नो डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यस नो डुप्लीकेट पे क्लिक करना है आपको। और जैसे ही क्लिक करते हैं और यहां से व्यू पे क्लिक करते हैं और यस करते हैं, तो देखिए यहां पर अगर मैं यहां पे रजिस्ट्रेशन, अब देखिएगा यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी मैं अगर डालता हूं, यहां पर देखिए यहां पे डाल रहा हूं 1001, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन आईडी हो गई। अब मैं अगर 1001 के बजाय चलिए 2 करते हैं, अभी यहां पे आते हैं, अब यहां पे 1002 को रिपीट कर देते हैं, ये रिपीट कर दिया। तो रिपीट करने पे क्या आ रहा है, सेम मैसेज आ रहा है, ठीक है, यहां पे देखिए सेम मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहां पे लिख रहा है प्राइमरी की, लेकिन देखिए यहां पर ये प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की बनाते कैसे है, देखिए ये प्राइमरी की बनाने का तरीका है, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। पहले तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हटाना पड़ेगा हमको, डुप्लीकेट यहां पे अलाउड ही नहीं है। ये बन गई है कंपोजिट की। अब ये कंपोजिट की प्राइमरी की नहीं है, ये कैसे तय होगा, तो देखिए प्राइमरी की में ये यहां पे एक आपको की से दिखाई पड़ रही है, ये जो है प्राइमरी की का सिंबल है। और प्राइमरी की जब भी होगा तो एक टेबल में एक ही होगा, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती, और कंपोजिट की एक से ज्यादा हो सकती है। अब यहां पर एक और फील्ड डालते हैं, आधार आईडी, आधार नंबर कर देते हैं, यहां पे अंडरस्कोर लगा के लिखा नंबर, आधार नंबर कर दिया हमने, और आधार नंबर क्या किया, शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया यहां पे, ठीक है। और इसको भी हम क्या बना रहे हैं, कंपोजिट की बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्राइमरी नहीं बना रहे, कंपोजिट बना रहे। कंपोजिट वाला कौन कौन दो फील्ड है, देखिए ये कंपोजिट की वाला फील्ड है, ये हो गया कंपोजिट की, और यहां पर ये भी है कंपोजिट की, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये भी है क्या, कंपोजिट की, तो ये भी लिख दिया कंपोजिट की। तो दोनों ही चीजों को ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट की ये दोनों ही हैं, और ये क्या है सबसे ऊपर वाली, ये है प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की तो एक ही होगी एक टेबल में, लेकिन कंपोजिट की एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो यहां से ओके कीजिए और देन यहां पे आइए। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पे तो यूनिक वैल्यू ही डालेंगे, आधार नंबर भी क्या यूनिक ही होगा, तो वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आधार नंबर को चेक करते हैं, लाइक यहां पर आधार नंबर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लाइक कोई भी डमी आधार नंबर ऐसे ही मैं एंटर कर देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। तो ये एक नंबर हमने एंटर करा, ठीक है। अब यहां पर जब भी एंटर करेंगे तो इससे अलग ही नंबर हम एंटर कर पाएंगे, सेम नंबर एंटर आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करूं तो क्या ये लेगा, देखिए इसको यहां से कॉपी किया, देन यहां पर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो क्या ये लेगा, क्या ये हमें एक्सेप्ट करेगा ये सेम चीज है। तो पहले तो इसको देखना होगा, आधार आईडी जो फील्ड हमने लिया है इसको हमने डुप्लीकेट या इसको तय किया है या नहीं। तो यहां देखिए यहां पर इंडेक्स में क्या है, नो हो गया है, यहां पे करना होगा, इंडेक्स में जाना होगा, यहां पे लिखना होगा यस नो डुप्लीकेट, ये सेलेक्ट करना होगा, देन यहां से सेव करना होगा, ठीक है, चीजों को सेव करना होगा। और अब जो है ये जो है डुप्लीकेट डाटा यहां अलाउड नहीं करेगा, तो यहां पे जैसे ही जाएंगे ना तो ये देखिए, ये देख रहे हैं यहां पे डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। जब भी हमने इसे कंपोजिट की बना दिया तो कंपोजिट की भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है, देखिए ये अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है। फिलहाल तो हमें इसे यस डुप्लीकेट ओके करके यहां से यस करना होगा,
और यस करने के बाद जब हम इसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे अभी फोर कर देता हूं तो अभी ये तुरंत ले लेगा, देखिए ये हो गया, तो अभी ये आ गया है और अब यहाँ पे क्लिक करने पे ये तुरंत ऐसे हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहां से बना देते हैं, फिर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूं इसको, यस नो डुप्लीकेट कर देता हूं, ठीक है, और यहां से अब व्यू पे क्लिक करता हूं और यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए ये तो हमने बनाया है कंपोजिट की से रजिस्ट्रेशन आईडी को, तो 1004 कर दिया हमने, और यहां पर सेम चीज फिर से अगर मैं एंटर करने की कोशिश करूं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, सेम चीज एंटर कर रहा हूं, लास्ट में 4 है, यहां पर भी 4 या 5 भी कर देते हैं, ऊपर 5 भी तो दिया हुआ है। तो अब जैसे ही यहां आने की कोशिश करेंगे तो फिर वही एरर, फिर वही परेशानी, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंपोजिट की और प्राइमरी की के बीच में अंतर करिए अच्छे से, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। कंपोजिट की एक टेबल में एक ही हो सकती है, नहीं एक से ज्यादा हो सकती है, जबकि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी, ठीक है। आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे आपको करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैंडिडेट की के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कैंडिडेट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, जरा उसे ध्यान दीजिए, नो टू रोज हैव सेम वैल्यू। अब यहां पर जब हम आते हैं तो ये पहली रो है, ठीक है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, हर एक रो को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उसे क्या कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे, और वो एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और वो एक से ज्यादा हो सकती है। अब जरा सोचिए, एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर ये है, यहां पे 1 है, ठीक है, और उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी भी अलग है, उसकी आधार आईडी भी अलग है, तीनों एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, ये राम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली ये तीन वैल्यूज हैं, इनमें एक प्राइमरी की है, एक कंपोजिट की हो सकती है, और तीनों को मिलाकर के बन जाती है कैंडिडेट की, यानी एक कैंडिडेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई ये कर रही है ये कैंडिडेट की। आ रही बात समझ में कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं तब ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहां पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल कैसे बनेगी देखिए, ये टेबल हो जाएगी इस तरीके से, यहां पर एक टेबल बनी हुई है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मान लीजिए एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, यहां पे आर एन लिखता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि ये रोल नंबर ही है, ठीक है। और यहां पर आएगा नेम, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या आएगा, नेम आएगा, तो यहां पे एन लिखता हूं ताकि आपको ये पता चले कि नेम हो गया, ठीक है। फिर यहां पर आ गया इसका आधार आईडी, ठीक है, आधार आईडी ए लिखता हूं और आई लिखता हूं, आधार आईडी, ठीक है। और फिर यहां पर आ गया पैन आईडी, फिर यहां पे पी लिखता हूं और आई लिखता हूं, तो ये हो जाएगा पैन आईडी, ठीक है। और पैन आईडी के बाद यहां पर आ जाएगा वोटर आईडी, वी आई लिखता हूं, तो ये वोटर आईडी भी हो गई। तो इतनी चीजें मिला करके, अब देखिएगा ये तो फील्ड हो गए, ठीक है। अब इसमें यूनिक कौन कौन हो सकता है, ये वोटर आईडी हो सकता है, पैन आईडी हो सकता है, आधार आईडी हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है। इस स्टूडेंट को जिसका कि रोल नंबर 1 है, जिसका कि नाम आर ए एम है, राम है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे राम रख लेता हूं यहां पे, तो ये राम रख लिया। अब यहां पर जो इनकी आधार आईडी आएगी, जो इनकी पैन आईडी आएगी, जो इनकी वोटर आईडी आएगी, अब ये बन जाएगी एक रो, ठीक है, एक रो बन गया, क्या बन गया ये, एक रो बन गया, क्या बना, एक रो बना, यहां पे लिख देता हूं आर ओ डब्ल्यू, रो बन गया एक। तो इस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं कर रही है, एक ही फील्ड से ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इसमें रोल नंबर से भी हो रहा है, आधार आईडी से भी हो रहा है, पैन आईडी से भी हो रहा है, वोटर आईडी से भी हो रहा है। तो इन सबको मिला करके, अब देखिएगा इसको, इसको, इसको और इसको, इन सबको मिला करके एक ये बन जाएगी क्या, कैंडिडेट की, क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की। अब जरा हमें ये बताइए, इसमें ये सब चीजें हैं, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है सिंपल सा, क्या आपको इसमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं? अगर दिखाई देती हैं तो बताइएगा कमेंट करके जरूर, इसमें ये सब चीजें दिखाई ही नहीं देंगी, चाहे कोई भी स्प्रेडशीट हो। मैं इसी की बात नहीं कर रहा, अगर आप गूगल शीट चलाते हो तो गूगल शीट को भी देख सकते हो। यहां से अगर आप, मैं यहां पे मैं गूगल शीट को ओपन कर लेता हूं, ये देखिए गूगल शीट ओपन करके आपको दिखाता हूं, सीधी सी बात है गूगल शीट आप देख लीजिए, यहां से गूगल शीट को मैंने ओपन किया तो ये देखिए ये गूगल शीट ओपन हो गई है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये भी एक स्प्रेडशीट है,
ठीक है, जो कीज के बारे में बताया वो इसमें नहीं होती है, रिलेशनशिप इसमें नहीं होता है। तो रिलेशनशिप अगर कहाँ होगा सिर्फ, होगा तो वो होगा सिर्फ एक्सेस में, ठीक है, या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, जैसे कि माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, फॉक्स प्रो है, इन सब ओरेकल है, इन सब सॉफ्टवेयर में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, कीज होती हैं, ठीक है, इसमें टपल होता है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो फीचर्स हैं, कीज वाले फीचर्स, ये यूनिक बनाते हैं, ये बताते हैं कि ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाटा की रेडुंडेंसी हमको समझनी है, रेडुंडेंसी क्या होती है, तो डाटा रेडुंडेंस कब होगा, यहां पर ये टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल में दो चीजें हैं, एक तो टपल है, दूसरा एट्रीब्यूट है। टपल और एट्रीब्यूट के बारे में मैंने पहले बताया था, फिर इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए जो ये कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स बने हुए हैं, यहां पर दूसरा ये कॉलम है, तीसरा ये कॉलम है, चौथा ये कॉलम है, पांचवा ये कॉलम है, छठवा ये कॉलम है, तो जो ये कॉलम्स बने हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, इन कॉलम्स को ही हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, और ये इन कॉलम्स को ही हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये जो रोज बनी हुई है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये रो है, एक रो हो जाएगी यहां से यहां तक, ठीक है, ये दूसरी रो हो जाएगी यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये एक एक करके रोज बनी हुई है, तो जो ये रोज है वो कहलाती है टपल। तो टपल और एट्रीब्यूट आपको समझ में आया होगा कि क्या है, ठीक है। तो देखिए डाटा को रेडुंडेंस बनाना मतलब कि उसमें फालतू की चीजें जो ऐड हो गई हैं उनको हटाइए, निकालिए, बाहर कीजिए। फालतू की चीजें बार बार रेपिटेशन करना, ये क्या मतलब है, रेपिटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो बार बार रिपीट नहीं करना होता है डेटाज को, ये जो होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये कहलाती है डाटा रेडुंडेंसी, ठीक है। अब इसमें रेपिटेशन कैसे पॉसिबल है, एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं। यहां पर एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, इसमें सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर कॉलेज का जो नेम है, तो यहां पर देखिए ये जो कॉलेज नेम है, ये कॉलेज नेम बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं, यहां पे ये कॉलेज नेम रिपीट हुआ है, यहां पे कोर्स का नेम भी रिपीट हो रहा है। तो ये जो रेपिटेशन वाली प्रॉब्लम है ये कहलाएगी डाटा रेडंडेंसी, ठीक है। और ये बात समझ में कि नहीं, ये बार बार रिपीट होगा तो एक ही चीज रिपीट करने का बहुत मतलब नहीं है, तो क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये बार बार रिपीट ना हो। तो ये जो रिपीट होना जो है ये कहलाता है डाटा रेडुंडेंसी, आई बात समझ में। और इसको रिपीट होने से बचाने के लिए हमें डाटा रेडुंडेंसी करनी पड़ती है। इसमें समझिए, इसमें जो है डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है तो ये किस तरीके से रिपीट हो रहा है, हम बार बार डाटा को डिलीट कर देते हैं फिर अपडेट करते हैं, तो डिलीट करने, अपडेट करने और इंसर्ट करने से इस तरह की प्रॉब्लम यानी रेडंडेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसमें तीन तरह की रेडंडेंसी देखने में आती है। पहला है इंसर्शन एनोमली। एनोमली का मतलब होता है कि आपने अपडेट किया कुछ तो वहां पर चीजें जो है एक तरह से कह लीजिए कि नियमबद्ध तरीके से चीजों को ना करना, यह कहलाता है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है नियम का उल्लंघन करना, ठीक है। तो आप इंसर्ट कर देते हो डेटा को तो उसमें और भी चीजें आ जाती हैं, फिर डिलीट करते हो तो और भी चीजें डिलीट हो जाती हैं, तो ये जो है ना, और अपडेट करते हो तो उसमें अपडेट भी हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एनोमली कहलाती है, ठीक है। एनोमली मतलब नियमहीनता, यानी कि आपके पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ रिकॉर्ड सेम है और उनसे फिर आप फेच करा देते हो डेटा, या डिलीट कर देते हो, या अपडेट करते हो उसी को, तो जब अपडेट करते हो तो जो चीजें उसमें पहले से हैं उसमें और भी चीजें ऐड हो जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कभी कभी रिकॉर्ड जो है रिपीट भी होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो है रेडुंडेंसी का कारण हो सकता है, ठीक है। जो अगला टर्म है वो है डाटा की इंटीग्रिटी से रिलेटेड। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, डाटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डाटा की विश्वसनीयता, यानी डाटा डुप्लीकेट ना हो, डाटा में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अगर आप डायनामिकली डाटा को टेबल को अपडेट करते हो या रिलेशनशिप क्रिएट करते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
ये कहलाता है डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है रेडुंडेंसी कैन ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज डाटा इंटीग्रिटी। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है एडजस्ट करना, किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना। तो देखिए रेडुंडेंसी कैन ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज डाटा इंटीग्रिटी, कह रहा है रेडुंडेंसी क्या करती है, डाटा इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। एज चेंजेस मेड टू वन कॉपी ऑफ द डाटा मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द अदर कॉपीज, कह रहा है कि अगर डाटा इंटीग्रिटी है तो उससे दूसरी कॉपी जो कि अपडेट हुई है उससे दूसरी कॉपी अफेक्ट नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी और सारी चीजें एक्यूरेट रहेंगी, सारी चीजें सही रहेंगी, ये कहलाती है डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी तो होनी चाहिए, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी के बगैर आपका डाटाबेस का सही से आकलन नहीं किया जा सकता है। तो डाटाबेस के अंदर डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके जो डेटाबेस है उसमें डाटा इंटीग्रिटी है तो डाटा इंटीग्रिटी होने से क्या होगा, डाटा क्या होगा, डाटा इंटीग्रिटी होने से आपका डाटा और भी सेफ रहेगा। तो डाटा को सेफ रखना है या नहीं आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, डाटा हमेशा हमारा सेफ रहना चाहिए, कहीं से उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं से कोई गड़बड़ी ना आ जाए, ये तो आप भी चाहते ही होंगे, तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। डाटा रेडुंडेंसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहां पर पहले मैं 1005 करता हूं जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, और बाकी यहां पे आधार आईडी आप डाल सकते हैं, तो जो भी आधार आईडी है वो डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यही डाल दिया, यहां पे हिना एक और बच्ची का नाम है, तो यहां पर 1006 कर देंगे और यहां पर भी आधार आईडी आ जाएगी, तो ये आधार आईडी होगी, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया, अब इसको मैं सेव करता हूं। अब यहां पर देखिए दूसरी टेबल, दो टेबल हमारे पास है, ये तो एक पहली वाली है और यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन वाली टेबल है, इसमें भी नेम ऑफ स्टूडेंट मौजूद है, ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन आईडी को यहां पर प्राइमरी की बनाया या नहीं ये देखना होगा, तो यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की बनाया, रोल नंबर को नहीं बनाया। अब डाटा रेडंडेंसी अब आपको समझ में आएगी। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे चलते हैं क्रिएट पे, यहां से डेटाबेस टूल्स पे आ जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है। इन दोनों टेबल्स को पहले हम क्लोज करेंगे, तो यहां से इसको क्लोज कर लीजिए और रिलेशनशिप पे आइए। जैसे रिलेशनशिप पे आएंगे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन वाली टेबल दिखेगी, उसको लेके आइए, दूसरी जो टेबल होगी उसको भी लेके आ जाइए, और इन दोनों टेबल्स के बीच में अब रिलेशनशिप क्रिएट करानी है। तो कैसे क्रिएट कराएंगे, तो यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। अब ये क्रिएट होने से फायदा क्या होगा वो देखिए, यहाँ पे ये हमने कर दिया, क्रिएट कर दिया, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया, ओके। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि जो रोल नंबर का डेटा टाइप है वो दोनों ही में सेम होना चाहिए, तो दोनों ही को चेक करना होगा हमको। ये कह रहा है कि डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए, तो सेम अगर नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा रिलेशनशिप आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं रोल नंबर का डेटा टाइप, नंबर पड़ा हुआ है इसमें क्या पड़ा हुआ है वो भी देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है शॉर्ट टेक्स्ट हो गया है, तो इसको शॉर्ट टेक्स्ट ना रख करके नंबर ही रखना है, और यहाँ से फिर अब ये इस तरीके से कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी, तो जब रिलेशनशिप क्रिएट होगी तब हमें डाटा रेडंडेंसी का पता लगेगा। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चल करके क्या करेंगे, सीधा सीधा डेटाबेस टूल्स पे, फिर रिलेशनशिप पे, और पहला टेबल स्टूडेंट वाला ले लेंगे और जो दूसरा टेबल है उसको भी ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला टेबल। तो ये दोनों ही टेबल हम लेके आ गए और यहाँ से रोल नंबर का रिलेशनशिप रोल नंबर से क्रिएट कर देंगे, यहाँ से इस तरह लेके जाएंगे और इन तीनों पर टिक कर देंगे तो वन टू मेनी रिलेशनशिप ये बिल्ड हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या मिला वो कैसे समझ में आएगा, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए। अब देखिए ये जो राम है जिसका रोल नंबर 1 है, जिसका रजिस्ट्रेशन आईडी 1001 है, तो यहां पर जब क्लिक करिएगा तो देखिए इसका नाम दिखाई पड़ रहा है, नाम ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है, नाम नीचे भी दिखाई पड़ रहा है, ये जो है ना ये कहलाता है डाटा रेडंडेंसी। आई बात समझ में, इस राम की हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये राम दिखाई पड़े, ठीक है, तो ये कहलाता है डाटा रेडंडेंसी। तो इसको प्रिवेंट करना किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो देखा आपने इसे कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ डाटा रेडंडेंसी को हमें अवॉइड करना है, डाटा रेडंडेंसी हमें नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा इसके लिए। तो इसके लिए आप यहां पर आ जाइए, इसको पहले वापिस से लेके आइए यहां पर, इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट जोड़ने की जरूरत ही नहीं, एक जगह तो नेम ऑफ स्टूडेंट है ही है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम नेम ऑफ स्टूडेंट को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नेम,
अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और नेम ऑफ स्टूडेंट्स को लिखने के बाद तो इसको हमें डिलीट कर देना, और यहां से ये देखिए इसको हमने डिलीट कर दिया है और फिर भी ये रिलेशनशिप क्रिएटेड है। तो अब यहां पर आप जब देखेंगे इसको, तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश वगैरह भी कर देता हूं और इसको यहां से क्लोज करके इसको भी क्लोज कर देता हूं और क्लोज करके दोबारा से इसको देखेंगे हम। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन वाली टेबल है और ये हमारी ये टेबल है, तो यहां पर जब जाएंगे तो ये देखिए ये जो है ना इस तरीके से आएगा। ऐसी दशा में आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप तो हमारी जरूर बिल्ट हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि रिलेशनशिप जो है यहां पे डाटा की रेडुंडेंसी हो रही है। तो रेडुंडेंसी ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन सारे टेबल्स को आप क्लोज कर दीजिएगा, जो भी टेबल्स बनी हुई है और ये रिलेशनशिप को यहां से जो बिल्ट हुआ है इसको हटाना होगा। तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप को हटा दीजिएगा, तो यहां पे जाइएगा और ये डिलीट कर दीजिएगा रिलेशनशिप जो बनी हुई है, ठीक है। अब ये डिलीट हो गया, अब इसको यहां से क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, यहां से नो कर दीजिएगा। अब आ जाइएगा सीधा के यहां कहां पर रजिस्ट्रेशन वाली टेबल, तो ये रजिस्ट्रेशन वाली टेबल है हमारी, इसमें से हमें क्या हटाना है, हमें हटाना है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पे आइएगा और यहां पे आ जाइएगा, अब यहां से आपको क्या हटाना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो इसको कट कीजिएगा यहां से, तो ये कट हो गया। अब कट होने के बाद यहां से इसको क्लिक करके और ये देखिए अब सिर्फ दो ही फील्ड्स दिख रहे हैं, तो अब हमारा काम हो गया। हमारा एक ही जगह लिखने से जब काम चल जाएगा तो फिर हम दो जगह क्यों लिखेंगे, आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए इन केस अगर आपको इसकी जरूरत भी पड़ती है तो ये बार बार टाइप करने की क्या जरूरत है, आप सीधा सीधा क्रिएट पे जाइए और यहां से जब आप टेबल बनाएंगे उसी वक्त आप ये काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये टेबल डिलीट कर देता हूं जो बनाया, ठीक है, इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ये डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, अब यहां पर जाना है आपको और ये टेबल पे जाना है, ठीक है। कहां जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और कहां जाना है, क्रिएट पे जाकर के क्वेरी विजर्ड पे जाना है। विजर्ड पे जाने के बाद पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट रहेगा और ये जैसे ही आएगा इस तरीके से, यहां से सबसे पहले टेबल पे चलते हैं और टेबल पे जाने के बाद यहां पे आते हैं और यहां पर मैं रजिस्ट्रेशन टेबल के नाम से बनाता हूं रजिस्ट्रेशन टेबल। तो ये कर लिया रजिस्ट्रेशन टेबल, ये हो गया, एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद यहां पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी को, रजिस्ट्रेशन आईडी को बनाएंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर है जो भी है, तो जो भी होगा उसी को हम बनाएंगे क्या, प्राइमरी की। तो यहां पे देख सकते हैं ये है रजिस्ट्रेशन आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी को ही प्राइमरी की बनानी है आपको, तो ये कर दिया रजिस्ट्रेशन और देन आईडी यहां पे लिख देंगे। तो यहां से चल करके पहले तो इसको डिजाइन व्यू पे लेंगे और ये हो गया रजिस्ट्रेशन और देन यहां पे अंडरस्कोर लगा के आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया ये। और रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद यहां पर जो होगा ना ये होगा आपका जो यहां पर डेटा टाइप है सेम वही डेटा टाइप यहां पर भी होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा ये जो डेटा टाइप है ना ये कौन सा है, शॉर्ट टेक्स्ट है, तो यहां पर भी शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट यहां से रख देंगे और शॉर्ट टेक्स्ट रखने के बाद यहां पर बाकी की चीजें जैसे रोल नंबर तो हमें रखना ही रखना है, तो ये कर दिया रोल नंबर। और ये रोल नंबर करने के बाद क्या करना है, यहां पे आकर के और इसका डेटा टाइप जो भी जैसे नंबर था तो नंबर रख देंगे। और यहां पर एक और फील्ड डालता हूं मैं, स्कॉलर आईडी, क्या डालूंगा, स्कॉलर आईडी, ध्यान दीजिएगा स्कॉलर आईडी डाल रहा हूं ताकि हम तीन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करा सके, ठीक है। तो इसमें आपको दो तीन चीजें क्लियर होंगी, एक तो रेडुंडेंसी ऑफ डाटा, डाटा इंटीग्रिटी, और इसके साथ साथ रिलेशनशिप भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये स्कॉलर आईडी को शॉर्ट टेक्स्ट रख करके फिर यहां से ओके किया, फिर यहां से इस तरीके से करेंगे। तो अब यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी वो वाली पड़ेगी, तो ये 1001 हो गया, रोल नंबर क्या रहेगा, 1 रहेगा, और यहां पे स्कॉलर आईडी कर देता हूं S01, ठीक है। और यहां पे 1002 कर दिया और यहां पे 2 कर दिया और यहां पे क्या करेंगे S, यहां पे हो गया और यहां पे हो गया 02, ठीक है। फिर यहां 1003 हो जाएगा और फिर यहां क्या होगा 3 हो जाएगा और यहां हो जाएगा S03, इस तरीके से करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 1004 और यहां पे 4 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा S04, ठीक है। फिर यहां हो जाएगा 1005, फिर यहां पे क्या होगा 5 और यहां पे हो जाएगा S05, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं 1006 और फिर यहां पे 6 और यहां पे क्या करेंगे S06, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है।
तो ये सब हो जाने के बाद यहां से इसको क्लोज कीजिएगा, इसको भी आप क्लोज करेंगे तो ये दोनों टेबल्स बन गई हैं, ठीक है। दोनों टेबल्स के फील्ड्स को भी आप देख सकते हो, दोनों टेबल्स में जो फील्ड डाली गई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसमें रिलेशनशिप आप क्रिएट कराओ। देखो डाटा रिडंडेंसी बिल्कुल नहीं होगी, कैसे नहीं होगी आइए देखते हैं। क्रिएट पे जाएंगे और यहां से डाटाबेस टूल्स पे चलते हैं सीधा सीधा, और यहां से रिलेशनशिप पे आते हैं। तो रिलेशनशिप ये हमारी है, अब यहां से इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करानी है, तो दोनों टेबल्स आ गई हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करा ली जाए। तो देखिए ये दोनों टेबल हो गई हैं, अब इसमें रिलेशनशिप क्रिएट कराना है वापस से। तो क्या करेंगे, रोल नंबर को कनेक्ट करेंगे रोल नंबर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये रिलेशनशिप बिल्ट हो गई, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों टेबल्स क्लोज रहेंगी, ये जो भी रजिस्ट्रेशन की टेबल है इसको क्लोज रखना है। तो ये हो गया रोल नंबर का, रोल नंबर से रिलेशनशिप। अब जरा हमें बताइएगा इसमें डाटा रिडंडेंसी हो रहा है कि नहीं, डाटा का रेपिटेशन हो रहा है कि नहीं। जब यहां पर जाएंगे तो स्टूडेंट वाले टेबल पे चलते हैं। अब यहां से जाने से स्टूडेंट जिसका कि रोल नंबर वन है, जिसका कि नाम राम है, जिसकी की रजिस्ट्रेशन आईडी ये है, जिसका आधार आईडी ये है, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है और रोल नंबर क्या है और स्कॉलर आईडी क्या है, ये देख सकते हैं। यहां पर रेपिटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो ये जो है ना ये कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। आई होप कि आपको बात समझ में आई हो। अब देखिए अब इसमें रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गई, अब तीसरा टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो तीसरा टेबल कैसे बनेगा, तो तीसरा टेबल बनाने के लिए यहां से सीधा सीधा चलेंगे टेबल पे, और टेबल पे जाकर के यहां पे स्कॉलर आईडी स्कॉलर टेबल करते हैं, स्कॉलर टेबल स्कॉलर टी एंटर कर दिया। अब यहां पे लिखेंगे स्कॉलर आईडी, तो ये हो गया स्कॉलर और अंडरस्कोर करके आईडी लगाएंगे, और ये क्या करते हैं हम यहां से इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं, और यहां पे हम रखेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी, तो आर ई जी आई एस टी आर ए टी आई ओ एन रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी कर दिया और ये शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, और क्या करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, सिंपली बस इस पर क्लिक करना है। तो ये क्लिक कर दिया हमने, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे स्कॉलर आईडी तो S01 था, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आईडी क्या थी 1001 थी, और यहाँ पे देखिए ये हो गया S02, फिर रजिस्ट्रेशन आईडी 1002, फिर यहाँ हो जाएगा S03, फिर क्या हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी 1003, ऐसे करके चलना है, ठीक है। S04 रजिस्ट्रेशन आईडी 1004, फिर यहाँ पे आते हैं S05 रजिस्ट्रेशन आईडी 1005, फिर यहाँ पे आते हैं S06 रजिस्ट्रेशन आईडी 1006, इस तरीके से आपको चलना होगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं यहाँ से, ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, और फिर ये देखिए ये हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पे एक रजिस्टर स्कॉलर की भी टेबल बन गई, तो अभी इसमें क्या करते हैं ये स्कॉलर वाली टेबल यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अभी देखिए ये स्कॉलर आईडी है और ये स्कॉलर आईडी, तो इस स्कॉलर आईडी का रिलेशनशिप इससे क्रिएट करा देते हैं, और यहाँ पे तीनों पे टिक कर देना है ताकि वन टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ट हो जाए। तो अभी ये बिल्ट हो गया, तो अभी हम कहाँ चलेंगे, स्टूडेंट वाली टेबल पर। तो स्टूडेंट वाली टेबल पे जाने से आपको स्कॉलर आईडी दिख जा रही है, रजिस्ट्रेशन आईडी दिख जा रही है, दिख रही है कि नहीं। स्टूडेंट वाले टेबल पे जाने से रजिस्ट्रेशन आईडी स्कॉलर आईडी दोनों दिख रही है, दिख रही है ना। तो ये कितना आसान है आप सोच सकते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टूडेंट की टेबल है, और यहां पर क्लिक करते हैं क्या दिख रहा है आपको, रजिस्ट्रेशन आईडी और स्कॉलर आईडी दोनों दिख रहा है, जो यूनिक वैल्यूज है वो दोनों दिखने लगी, यानी डाटा रिडंडेंसी यहां पर आपको दिख रही है, ठीक है। डाटा रिडंडेंसी जो आ रही थी वो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि ये किस किस तरीके से आपको रिलेशनशिप बिल्ड कराना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं इसमें। तो इस तरीके से इन सारे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। अब मैं स्कॉलर आईडी वाले टेबल को एडिट कर रहा हूं, और यहां पर एक और फील्ड डाल रहा हूं आईडी नाम से, ठीक है, और इसका जो डेटा टाइप है वो रख रहा हूं शॉर्ट टेक्स्ट, और फिर इसको सेव कर रहा हूं। तो ये हो गया। अब यहां पर आईडी में आपको कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर T01 कर देता हूँ आईडी, ठीक है। फिर इसी तरीके से T02 करूंगा, फिर इसी तरीके से T03 करूंगा, फिर इसी तरीके से T04 करूंगा, लाइन से यही T0 का
क्रम जो है चलता रहेगा, और फिर ऐसे T05, फिर T06 हो जाएगा, और T06 होने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ये हो गया सेव। अब इसको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद जो अगला टेबल हमारा बनेगा T0, जो हमारा अगला टेबल बनेगा उसका नाम रहेगा स्टूडेंट, ये कर दिया स्टूडेंट और रिकॉर्ड, R से रिकॉर्ड कर देते हैं, और ये जो है स्टूडेंट, इसको सही से लिखना होगा STUDENT स्टूडेंट, R कर देते हैं, R से रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये आईडी जो है यहां पर प्राइमरी की होगी, ये ध्यान दीजिएगा, आईडी यहां पे क्या है, प्राइमरी की। और यहां पर भी शॉर्ट टेक्स्ट ही आपको रखना है, यहां पे स्टूडेंट का जो सिटी है उस सिटी का नाम आएगा, ठीक है, और फिर स्टेट का भी नाम आएगा, तो यहां पे सिटी कर देते हैं, और ये जो सिटी है यहां से हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो ये लुकअप विजार्ड में जाकर के, और फिर यहां पर आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट करेंगे, और या फिर यहां से आते हैं सीधा सीधा शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं इसको, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया हमने, और शॉर्ट टेक्स्ट करने के बाद यहां पर आईडी डालेंगे, तो आईडी यहां करते हैं E01, ठीक है, और सिटी कर देते हैं DEORIA देवरिया, और फिर यहां पे कर देते हैं E02, सिटी का नाम गोरखपुर, ये कर दिया, फिर यहां E, तो यहां पर ये सारी चीजें डाल करके अब रिलेशनशिप पे चलेंगे, इन फील्ड दोनों टेबल्स को क्लोज कर देंगे, तो इन सब में तो ऑलरेडी हमने करा ही लिया है रिलेशनशिप। अब बाकी बचा इसमें, ये देख सकते हैं स्कॉलर टी वाले टेबल में और स्टूडेंट आर वाले, तो ये जो आईडी है इसको उठा करके आईडी के ठीक सामने ले जाकर रख दीजिए, और यहाँ पर तीनों फील्ड्स पे टिक कर दीजिए, ये जो इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, दूसरा है कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, तीसरा है कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तो इन सब पे टिक करके और ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से बिल्ड हुई है, ठीक है, अब ये देख सकते हैं चारों ही टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड हो गई है। तो अब इसका इसका देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट टी वाले टेबल पे गए, तो यहाँ पर क्लिक किया आपने, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और स्कॉलर आईडी की जानकारी मिलती है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट आर वाले पे जाते हैं तो क्या होता है, यहां पर आपको स्कॉलर आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी तो दिखता ही है, साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर भी दिख जाता है। तो ये इस तरीके से आपस में ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, रजिस्ट्रेशन आईडी पे जाएंगे तो सिर्फ यही चीजें दिखेंगी, तो ये रिलेशनशिप का फायदा है, ठीक है, एक ही जगह रहते हुए सारे रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हो, ठीक है। आइए कि एक टेबल हमने बनाया था स्टूडेंट टी, उससे रिलेट हुआ दूसरा, उससे रिलेट हुआ तीसरा, उससे रिलेट हुआ चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, तो ये सारे टेबल्स के बीच में क्या बन रहा है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए कि इस तरह के जो डेटाबेस है उसे हम क्या कहेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। तो इसे ही कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब एक टेबल में रह करके आप सारे टेबल्स को एक्सेस कर पाए, उनकी एक्सेस आपको मिल जाए, तो उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहां पे रह के और सारी चीजों का एक्सेस आप पा सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अब हमें इसके लिए फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो क्रिएट पे जाकर के फिर यहां से फॉर्म विजर्ड से जाएंगे, तो ये जो विजर्ड दिख रहा है ना, इसी विजर्ड से हमें जाना है, हमें रोल नंबर वाला टेबल चाहिए, तो इसमें स्टूडेंट के नेम आएंगे और ये आधार आईडी आएगी, ठीक है, इतना तो आ जाएगा, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन नंबर को दूसरे टेबल से उठाएंगे, यानी कि एक दूसरा टेबल जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल है, यहां से रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाना है, ठीक है। स्कॉलर आईडी को भी यहां से नहीं उठाना, रोल नंबर तो ऑलरेडी हम लोग ले ही चुके हैं, ठीक है, तो स्कॉलर टी से स्कॉलर आईडी उठानी है हमको, ठीक है, और यहां से हमें क्या लेना है, ये लेना है आईडी और सिटी लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो टेबल बनी हुई है जिसका नाम है कि स्टूडेंट टी, तो अब सारे फील्ड्स तो लगभग आ चुके हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन टेबल से भी आ चुके हैं और ये स्कॉलर आईडी से भी आ चुका है सारा फील्ड, तो अब आपको यहां से जाकर के नेक्स्ट करना है, और आप किसको मेन टेबल बनाना चाहते हैं, लिंक किसको करवाना चाहते, तो ये लिंक लिंक्ड बना रहा हूं मैं लिंक, ठीक है। तो यहां देखिए ये दो टेबल जो दिख रही हैं आपको, जिसमें रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, आधार आईडी, ये दो ही चीजें लिंक हो सकती हैं एक बार में, तो फिलहाल हम इसको बनाएंगे, ये फॉर्म भी बना सकते हैं, लिंक भी करा सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो अगर लिंक कराते हैं तो क्या होगा, तो यहां पे गए और यहां से फिर फिनिश कर दिया हमने, तो जब फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिनेरियो नजर आएगा, तो इसमें थोड़ा सा सेटिंग करने की जरूरत है, तो यहां से डिजाइन पे लेकर के और फिर फॉर्म पे जाकर के और फिर यहां पर जाकर के फिर यहां से इसको यस करना है, और यस करने के बाद इसको हटा देना है,
और यहाँ ये जो रजिस्ट्रेशन टेबल दिख रही है यहाँ पर जाकर के इसको बड़ा कर लीजिएगा, और बड़ा करने के बाद यहाँ से जाकर के इसको ये इसमें चेंजेस करने होंगे हमको यहाँ पे क्लिक करके, और इसका जो ये बैकग्राउंड है उसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर मैं बदल देता हूँ, लाइक बैकग्राउंड का कलर व्हाइट कर देता हूँ, और बाकी की चीज़ों को छोटा बड़ा करके आप सेट कर सकते हो यहाँ से जाके। तो यहाँ से जा करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, यहाँ से आधार आईडी को भी छोटा करना है तो यहाँ से चल के छोटा करना है इसको, ये यहाँ से जाइए और इसको छोटा कर लीजिए यहाँ से, तो ये छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको नीचे करिएगा, देन यहाँ से इसको इस तरीके से, और फिर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ से चल करके और यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रोल नंबर वन जिनका की नाम राम है, जिनका का आधार आईडी यहाँ पे दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पूरी की पूरी डिटेल इनकी रजिस्ट्रेशन टेबल की आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये इनकी रजिस्ट्रेशन टेबल है जिसमें सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है। अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं, ये आ गए वापिस से, तो ये देखिए यहाँ से अब आप आगे जा सकते हो। जैसे मान लीजिए इसमें जो होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये रोल नंबर वन सेलेक्ट है ना, तो रोल नंबर वन का ही रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से रोल नंबर टू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे चेंज कर दिया, तो टू कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टू वाला शो करेगा, देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पॉसिबल हो जाएगा जब आप रिलेशनशिप क्रिएट कराओगे और फिर ये चीजें करोगे, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब इसमें देखिए एक चेंजेस और परफॉर्म करने वाला हूं मैं, इसमें एक क्वेरी मैं बनाऊंगा। क्वेरी किस तरीके से बनाएंगे वो भी बताऊंगा। ये तो फिलहाल हमारी स्टूडेंट टी वाली टेबल है, जहां से हम रजिस्ट्रेशन टेबल पे चले जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन टेबल भी ओपन हो जाती है इसमें, ये हमारी रजिस्ट्रेशन टेबल है, इस पर क्लिक करते ये ओपन हो जाती है। तो इसमें अब हम रिपोर्ट बनाने का काम करेंगे। तो रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक क्वेरी बनानी होगी, और क्वेरी भी बनाने से पहले हमें एक काम करना है। क्या काम करना है, सबसे पहले तो ये जो बना हुआ है ना इसको हमें लेना है डिजाइन व्यू पर। तो ये जो फॉर्म बना है स्टूडेंट टी के नाम से बना है, इसको पहले रीनेम करूंगा। तो यहां से जाकर के स्टूडेंट एफ करूंगा, स्टूडेंट एफ यानी कि स्टूडेंट फॉर्म, ये सिंबल होगा, ठीक है। और बस यहां से इसको डिजाइन व्यू पे ले लीजिएगा, और ये डिजाइन व्यू पे लेने के बाद क्या करना है, जैसे ही डिजाइन व्यू पे लेते हैं तो यहां से आपको एक चेंजेस करने हैं। वो क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्म कर लीजिएगा और पॉपअप को यस कर दीजिएगा। तो ये यस हो ही चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक हमें कॉम्बो बनाना है। तो कॉम्बो कहाँ से बनेगा, तो कॉम्बो यहाँ पर जाके बनेगा, यहाँ से जाकर के इसको ड्रैग करवा लीजिएगा। तो ये विंडो ओपन होगी और ये तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और हम रोल नंबर के बेस पे एक्सेस करेंगे सारी चीजें। तो रोल नंबर को लगा करके फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया है, इसको उठा करके हमको इधर लेके आना होगा साइड में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रोल नंबर वाला जो कॉम्बो था वो आ गया है, ठीक है। छोटा बड़ा करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कर लिया हमने, और अब होम टैब पे जाकर के यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो ये हो गया, और ये हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे जाकर के और ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आप देखिए यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे सेम चीज रजिस्ट्रेशन टेबल में वही चीज चेंज हो जाएगी। फिर देखिए ये 5 किया हमने, अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन टेबल पे जाते हैं तो आपको 5 वाला ही रिकॉर्ड आपको दिखेगा। तो यहाँ से क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन टेबल पे, तो देखिए ना ये 1005 किसकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से आप फिर वापिस से चेंज करते हो, 3 कर देते हो, फिर रजिस्ट्रेशन टेबल पे जाते हो, तो रजिस्ट्रेशन टेबल 3 वाला देखिए रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो ये बहुत एक्सेस करना बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद आप इसके लिए रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो रिपोर्ट यहाँ से जाकर के रिपोर्ट विजर्ड से डिजाइन कर सकते हो। रिपोर्ट डिजाइन करने के पहले एक क्वेरी बना लेना ज्यादा बेहतर है। तो क्वेरी कौन सी बनाएंगे उसको भी देख लिया जाए, किस तरीके की क्वेरी हम बनाएंगे इसमें। तो यहाँ से क्रिएट पे जाके और क्वेरी विजर्ड पे जाएंगे, ये जो विजर्ड है यहाँ पे जाएंगे, और फिर यहाँ पर जाकर के सिंपल क्वेरी, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तमाम आपको फॉर्म्स वगैरह मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, जो भी टेबल हमने क्रिएट किए थे सारे टेबल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो सब में से कुछ ना कुछ लेना है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन टेबल पे आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टेबल से सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही आईडी ही लेनी है हमें। दूसरा स्कॉलर आईडी से सिर्फ स्कॉलर आईडी ही लेंगे हम। तीसरे पे आते हैं तो स्टूडेंट आर से क्या लेना है, तो इसमें सिर्फ आईडी और सिटी लेना है। चौथे पे आते हैं तो चौथे से हमें क्या लेना है, तो चौथे से रोल नंबर लेना है, नेम ऑफ स्टूडेंट लेना है, और आधार आईडी लेनी है, आधार नंबर लेना है।
तो ये सब लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे और फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई करके और ये। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अब हम रजिस्ट्रेशन के बेस पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर्च करना है, एक्सक्लेमेशन लगाइएगा और किस फॉर्म के अंदर सर्च करना है ये भी देखना होगा। तो हमें सर्च करना है स्टूडेंट फॉर्म के अंदर और यहाँ पर रोल नंबर के बेस पे सर्च करना है, किसके बेस पे सर्च करना है, रोल नंबर के बेस पे। तो ये रोल नंबर लगा दिया हमने, बस काम हो जाएगा, इसको सेव कर देना है अब खाली। ठीक है, सारा काम हो चुका है, यहाँ से सेव करिएगा और सेव करके इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसको क्लोज करिए और क्लोज करने के बाद क्या करना है, जैसे स्टूडेंट एफ वाले टेबल फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ से जाकर के अब देखिए यहाँ पर जब हम चूज करेंगे ना, ये देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से हमने चूज किया। ठीक है, और अभी रिपोर्ट तो हमने बनाया नहीं, तो रिपोर्ट पहले बनाते हैं। तो यहाँ से चल के अब रिपोर्ट बनाएंगे, तो रिपोर्ट विजर्ड पे जाएंगे और विजर्ड पे जाने के बाद हमको यहाँ पर आकर के क्या लेना है, सबसे पहले तो ये जो क्वेरी हमने बनाई है वही क्वेरी वाले सारी चीजें हमें लेनी है। तो ये क्वेरी के ही बेस पे टोटल चलेगा और सारी चीजें लेकर के फिर यहाँ से जाकर के फिर इसको ब्लॉक आउटलाइन जैसा भी करना चाहते हैं करके, और यहाँ बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कैसे आपको बॉर्डर वगैरह लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से जो भी आप लिए होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या सेलेक्ट है, अभी तो कुछ भी नहीं सेलेक्ट है, तो यहाँ से जो सिलेक्शन में लेंगे, जैसे रोल नंबर ले लिया तो 3 हो गया, तो 3 के आधार पर चीजें रिपोर्ट जो है 3 के आधार पे आएगी। तो देखिए ना, यहाँ पे रोल नंबर 3 की ही पूरी रिपोर्ट जनरेट हुई है, देखिए सिर्फ रोल नंबर 3 की ही बात करी जा रही है। और जैसे ही रोल नंबर 3 के बजाय आप यहाँ से कुछ और कर देते हैं, 5 कर देते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए रोल नंबर 5 का ही पूरा डिटेल आता है। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर 1 कर देते हैं तो 1 का ही पूरा डिटेल आएगा। तो देखिए ये 1 का पूरा डिटेल आने लगेगा यहाँ से, ये देखिए 1 का पूरा डिटेल आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये जो सीरीज है ये लंबा तो है लेकिन बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो आ रहा है ना, ये स्टूडेंट वाला, ये बड़ा बेकार लग रहा है, तो इसको क्या आप हटा सकते हैं, इस तरह से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। सबसे पहले तो इसे डिजाइन व्यू पे लीजिए, तो डिजाइन व्यू पे इस तरीके से ले लीजिए और फिर ये जो स्टूडेंट टी आ रहा है इसको पहले मैं हटा देता हूँ। तो ये हटा दिया हमने और ये हेडर पे कुछ रखना है नहीं रखना है ये आपका फैसला है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं, तो अभी तो फिलहाल हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना होगा कि कुछ सेलेक्ट है या नहीं, तो फिलहाल कुछ नहीं सेलेक्ट है। तो यहाँ से जाएंगे तो ये 4 रोल नंबर हमने सेलेक्ट किया है। अब हम वापस चलते हैं कहाँ, रिपोर्ट पर। तो रिपोर्ट पे जैसे ही आते हैं तो अब हमें 4 रोल नंबर किसका दिखाई देता है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं बना पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर हम नहीं बना सकते। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है बहुत, एक बार सीखेंगे तो होगा ज़रूर। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।